आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। रविवार को साउथ टुकोगंज स्थित जाल सभागृह में आईईयू का सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि निश्चय ही यह सम्मेलन हमारे समक्ष एक और कोविड की महामारी तो दूसरी और महामारी की आड़ में हमारे अपने उद्योग और साथ ही देश के सभी सार्वजनिक संस्थान और संपत्ति को चंद कॉरपोरेट और निजी पूंजी के हवाले करने की देश विरोधी कदमों के केंद्र सरकार की नीतियों का मुकाबला करते हुए बीमा उद्योग और साथ ही देश की स्वतंत्र आर्थिक पर राजनीतिक व्यवस्था को बचाने की गंभीर चुनौती विद्यमान है। वर्तमान सरकार ने तो खेती तक को कॉरपोरेट के हवाले कर देने का फैसला ले लिया है, जबकि देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि कानून, श्रम कानून में बदलाव के लिए संसदीय प्रजातंत्र के मान्य नियमों तक को अनुसान कर देना, सभी संस्थाओं, फिर वह न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सूचना आयोग, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय हो या अन्य कोई और, सभी को केवल राजनीतिक उपयोग हमारे लोकतंत्र की जड़ों को ही खोखला कर रहा है। इसीलिए 26 नवंबर की ऐतिहासिक हड़ताल और उसके बाद से 101 शहादाताओं के बाद भी जारी किसान आंदोलन इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष के मेहनतकश मजदूरों और किसानों की एकता के जरिए इस देश को केवल अदानी अंबानी के देश में बदलने की मुहिम के खिलाफ ऐतिहासिक जंग में जुटा है। यही हमारे लिए और तानाशाही के विरुद्ध देश के लोकतंत्र के भविष्य का भी मार्ग तय करेगा। हमें आने वाले समय में इन संघर्षों को और मजबूत करना होगा। हमारा लक्ष्य हो कि इंदौर में 29 जनवरी के सत्र प्रारंभ होने के पूर्व कम से कम 500 पत्र प्रेषित करें। रविवार को जाल सभागृह में इंदौर मंडल का 46वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंदौर मंडल के अंतर्गत आने वाले इंदौर से लेकर बुरहानपुर, इंदौर से लेकर बड़नगर, इंदौर से लेकर नीमच, इंदौर से लेकर कन्नौज तक के हमारे 100 साथी कोरोना स्थानीय प्रशासन द्वारा कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए आज यहाँ पर हमारा 46वां अधिवेशन की शुरुआत ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लाइज एसोसिएशन के भूतपूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय सुधाकर जी ऊर्ध्व रेशे के नेतृत्व में एवं BSNL के सर्कल सेक्रेटरी आदरणीय श्री शर्मा जी के नेतृत्व में आज यहां पर हमारा जाल सभागृह के अंदर 46वां अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। इसमें मुख्य रूप से जो भारत सरकार के द्वारा जो LIC के निजीकरण का प्रथम चरण के रूप में LIC का निवेश करने की जो योजना है उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया गया। इसमें जो पॉलिसी धारकों पर जो भारत सरकार के द्वारा जो GST लगाया गया है उसको जो है वापस लेने के लिए सरकार से डिमांड की गई है, और जो है हमने एक प्रमुख रूप से जितने हमारे किसान भाई हैं उनकी मांगों को मानने के लिए भी हम जो है भारत सरकार से निवेदन करते हैं। एवं जो भारत सरकार ने एक तरफा श्रम कानूनों में बदलाव कर पूंजीपति लोगों के, फैक्ट्री मालिकों के हित में जो श्रम कानूनों का निर्माण किया है, जो श्रम कोड बिल का निर्माण किया है, हम उसका विरोध करते हैं।